धरती का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में 90% पानी मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ बेकाल झील ही एक ऐसी झील है जो रूस में मौजूद है और 20% पानी साफ जल समेटे हुए है। अधिकतर पानी का मिसयूज बाथरूम में या फ्लश करने में ही हम वेस्ट कर देते हैं। हमारे वातावरण में मौजूद पानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले नदी नालों तालाबों से कई अधिक है। धरती पर मौजूद कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें 95% पानी मौजूद है। जली फिश को ज़्यादा देखा गया है। पेट से रिलेटेड बीमारी ये सब अशुद्ध जल से ही होती है जो पीने योग्य नहीं है। बिना भोजन के मनुष्य 1 महीने तक जीवित तो रह सकता है, परंतु बिना पानी के 1 हफ्ते तक भी जीवित रहना असंभव है। विश्व भर में पानी का संकट छाया हुआ है। नेचुरल सोर्सेस पर जोर दिया जा रहा है। 2018 में नीति आयोग द्वारा एक रिसर्च के मुताबिक 122 देशों की लिस्ट में अपना देश भारत 120वें नंबर पे है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश के 21 शहर 0 ग्राउंड वाटर लेवल पर मौजूद। मतलब यह है इन शहरों के पास पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, जिसमें महा आबादी वाले ये शहर बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर भी शामिल हैं, जिस कारण लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। शहर ही नहीं, भारत में तो ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। पानी ना होना भी गाँव के लोगों के पलायन का एक मेन मुद्दा रहा है। WHO के मुताबिक 25 लीटर पानी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। बड़े शहरों में तो नगर निगम द्वारा 150 लीटर प्रति व्यक्ति डेली का यूज़ किया जा रहा है। देश के 40% से ज़्यादा क्षेत्रों को सूखे का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड 2015 की रिपोर्ट से यह पता चलता है, भारत के 85% खेती, 5% घरेलू काम और 10% उद्योग में यूज होता है। 2030 तक बढ़ती आबादी के कारण पानी की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। 40% क्षेत्र सूखे की चपेट में आ जाएंगे। दुनिया की 18% आबादी के पास 4% पानी ही मौजूद है। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते समय सप्लाई साइड पर ही ध्यान देने के साथ साथ डिमांड साइड पर भी ध्यान देना जरूरी है। जल साक्षरता अभियान के तहत मानव जीवन पे भारी संकट आने की चेतावनी दी गई है। इस अभियान के तहत साफ पानी की बर्बादी पर रोक लगाते हुए बताया गया है, पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। सोशल मीडिया, टीवी हो या रेडियो हो, इन सब के जरिए मानव अपनी जिम्मेदारी को समझे। कई ऐसे कार्यक्रम आए दिन दिखाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी पानी के स्टोरेज पे बखूबी काम कर रहा है। वैश्विक स्तर पे पानी के स्रोत दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी बड़ा हाथ है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी घट रहा है। जल संरक्षण काफ़ी बड़ा मुद्दा है। रेन वाटर का स्टोरेज एक अहम भूमिका निभा सकता है। पृथ्वी पर मंडरा रहे इस भयानक संकट से बचने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आम आदमी वैश्विक स्तर पर काम तो नहीं कर सकता, परंतु अपनी दैनिक जीवनचर्या को सुलभ बना के कुछ बातों पे ध्यान देकर काफ़ी पानी की बचत कर सकता है। जो देश के लिए, विश्व के लिए एक अच्छा समाचार है, पानी पीते समय जूठा गिलास ना करें, ताकि उस जूठे गिलास को बार बार धोने की, मैं जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको बचा लिया जाए। कॉलगेट करते समय, नहाते समय, बर्तन धोते समय नल खुला ना छोड़ें। हाथ धोते समय मग में पानी लेकर हाथ धोएं। सब्जियां, फल धोते समय बाल्टी में या मग द्वारा यूज़ करें। वेस्ट पानी को खेतों में डाल दें। ऐसे छोटे छोटे उपाय आप सभी कर सकते हैं। देश के कई राज्य
पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गेहूं कटाई के बाद धान की रोपाई के लिए पानी की काफ़ी खपत लगती है। 1 किलो चावल के उत्पादन में 3,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। पैडी फार्मिंग के लिए पानी एक अहम मुद्दा है। कृषि विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को धान की सीधे बिजाई करने की सलाह दी गई है, ताकि पानी के इस संकट को ध्यान में रखते हुए ऐसी नई नई तरकीब अपनाई जाए। जल संसाधन सीमित है, उनको अगली पीढ़ी तक बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। कोरोना काल में पानी की खपत काफ़ी कम हो गई, सफाई को ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन आने वाले समय में पानी के संकट पे गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने चाहिए, रणनीतियाँ बनानी चाहिए। साथ साथ हर व्यक्ति को अपने भीषण खतरे को भांपते हुए अपने अपने तरीके से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। पानी को सेफ कैसे करें, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा प्राकृतिक आपदा सूखा भुखमरी का सामना करना हम देशवासियों के लिए एक भारी संकट बन जाएगा। दुनिया के सभी महाद्वीपों में रहने वाले मानव जाति पशु पक्षी 2.8 बिलियन लोग हर साल 1 महीने पानी की कमी से पीड़ित रहते हैं। 1.2 अरब लोगों के पास साफ पानी पीने को नहीं मिल पाता। 2050 तक देश की जीडीपी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। 6% का नुकसान सिर्फ पानी की वजह से झेलना होगा। सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं। 2024 तक हर ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन से पानी आएगा। अब देखना है यह योजनाएं कितनी सफल रहेंगी। वर्षा के जल का संरक्षण कर हम काफ़ी रिलीफ पा सकते हैं। हर घरों में टैंक होने चाहिए, ताकि वर्षा का पानी सेव किया जा सके। पेड़ पौधों को भारी मात्रा में लगाना जरूरी है। पेड़ पौधे ही पृथ्वी की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और कई प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। आने वाला समय पानी की किल्लत से काफ़ी डरावना होगा। जो धरा आज हमें पानी मुफ्त में दे रही है, हो सकता है उसका आयात निर्यात होना शुरू हो जाए। भविष्य में भारी पानी की किल्लत को देखते हुए अभी से हमें सजग रहने की ज़रूरत है। मेरी एक वीडियो में पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग पे भी थोड़ी चर्चा की गई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और पानी से जुड़े इस संकट से निपटने हेतु अपने छोटे छोटे कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और टेक केयर दोस्तों।